हमने कल डाइल्यूशन पढ़ा था। डाइल्यूशन में हमने क्या किया था, एसिड ऐड कराया था वाटर में। कुछ बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाए कि एसिड वाटर में ऐड करना या वाटर एसिड में ऐड करना दो अलग अलग बातें। ध्यान रखना, जब भी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो एसिड को वाटर में ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। ऐसा क्यों कहा जाता है कि एसिड को पानी में मिलाओ, पानी को एसिड में नहीं। देखो एक्चुअल में क्या है, जो एसिड को पानी में, जब एसिड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि हीट इवॉल्व होगी बहुत सारी यहाँ पे। वो जो हीट इवॉल्व होगी ना, उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो तब होगा जब वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और एसिड कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड ऐड कराते हैं विद स्टिरिंग। जब हम स्टिर करते हैं ना, हिलाते हैं, तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई है उसमें, वो सारी की सारी वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता रहता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने एसिड में वाटर डाल दिया तो हुआ क्या, जैसे ही एसिड के कॉन्टैक्ट में वाटर आएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा वाटर, तो वो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और वो पानी जो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है कुछ एसिड के साथ हमारे ऊपर स्प्लैश के फॉर्म में आ सकता है, तो उससे एसिड हमारे ऊपर गिर जाएगा या कपड़ों पर गिर जाएगा, तो एक नुकसान हमारा हो सकता है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है। सो हीट इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। अब व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टिरिंग, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज एब्जॉर्ब बाई वाटर। हीट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। बट व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस, ठीक है। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ वाटर टू स्टीम एक्सप्लोजिवली, एक्सप्लोजिवली मतलब एकदम से, अचानक से, विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आर फेस और क्लोथ्स एंड कॉजेज एसिड बर्न, ठीक है। जब एकदम से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी तो एक स्प्लैश आएगी वो उसकी वेपर्स की, और उस वेपर्स के स्प्लैश में क्या होगा, एसिड भी हो सकता है और वो हमारे ऊपर गिर जाएगी तो एसिड बर्न हो जाएगा। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इस प्रॉपर्टीज़ में ना एज इट इज़ प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती हैं कई बार, ऐसा कोई नहीं पूछेगा तुमसे राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, ऐसा ही कोई नहीं पूछेगा, पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे पहला है, एसिड हैज़ सोर टेस्ट। अब क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, मान लो द टेस्ट ऑफ एसिड इज, ठीक है, सोर टेस्ट, ठीक है, या फिर नेम द कंपोनेंट विच इज़ सोर इन टेस्ट, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे रखे हैं एसिड बेस सॉल्ट नन ऑफ द अबव। तो इस तरह से एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये हम अभी पढ़ के आए। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कर देगा। नेक्स्ट, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारी जो इन्वर्टर की बैटरी वगैरह होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है। अगर वो एसिड ना हो तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क नहीं करेगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगर हम अपनी बैटरी में, इन्वर्टर में जो पानी भरते हैं, ठीक है, वो पानी ना ज़्यादा भर दे और वो ओवरफ्लो हो जाए, ओवरफ्लो हो जाएगा ना, तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट बाहर चला जाएगा, बह जाएगा। अब तुमने उसके अंदर और पानी डाल दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कम रह गया, अब उसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब जब तुम इन्वर्टर वाले को बुलाओगे तो वो क्या करेगा, उसे चेक करेगा और चेक करके देखेगा कि इसके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट कम है, तो उसमें से कुछ पानी निकाल देगा और थोड़ा एसिड डाल देगा। एसिड क्यों डालेगा, जिससे कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सके। सो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो मेटल्स, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और अगर लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, मतलब किसी लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, तो वो लिक्विड क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जो एसिड्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, एंड सॉल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर आइंस बन सके, जैसे HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाता है, आइन बन गए ना,
तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयन बनाता है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है।